तो ये देखिए यहाँ पे हमने ऊन लिया है एंड ये हमारा 11 नंबर क्रोश है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फंदा स्टार्ट करेंगे, ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे 6 फंदे लेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे में डाल के हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे एंड यहाँ पे हम 2 चैन लेके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल हमें 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। सेम इसी तरीके से तो हम आपको ये 12 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करके उसके बाद दिखाते हैं। तो ये देखिए 12 हाफ डबल क्रोशिया हमने कंप्लीट कर लिया है एंड फर्स्ट जो हमने यहाँ पे 2 चैन लिया था यहाँ पे इसे इस तरीके से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे एंड यहाँ पे 3 चैन लेंगे, ये देखिए। एंड यहाँ पे सेम जगह से हम फंदे लेंगे, तो यहाँ पे हम 6 बार फंदे लेंगे, तो 4 हो गए, 5 और ये 6, 6 बार फंदे लिया और एक हमने पॉप बना दिया। तो ये देखिए पॉप बनाने के बाद यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे एंड नेक्स्ट वाले सिंगल हाफ डबल क्रोशिया में इसे ज्वाइन करेंगे एंड फिर हम यहाँ से 3 चैन लेंगे एंड इसमें एक पॉप बनाएंगे, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने एक पॉप बनाया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे एंड नेक्स्ट वाले में इस तरीके से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए, एंड फिर हम 3 चैन लेंगे इस तरीके से एंड फिर हम पॉप बनाएंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें बनाना है। तो ये टोटल हमारे 6 पॉप आएंगे, तो हम आपको ये 6 पॉप कंप्लीट करके उसके बाद दिखाते हैं। ये पूरा हमने बना लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 पॉप हमारे बने हैं एंड यहाँ पे हमने इस वाले पैटर्न में इसे ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ पे हमने जैसे हर एक पॉप को हम ज्वाइन करते हुए जा रहे थे वैसे ही हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट फंदा स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, एंड एक चेन लेंगे। उसके बाद क्या करना है, धागे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड फर्स्ट वाले चेन में डाल के इस तरीके से 1, 2, ये देखिए यहाँ पे हम एक चेन और ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसे बड़ा करेंगे एंड यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बार हमने धागा लिया और एक पॉप हमारा बन के रेडी हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसे हमें इस तरीके से नॉट लगा के और ऊन को कर देना है कट, ये देखिए यहाँ पे ऊन को कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम ये जो हमने सिंगल क्रोशिया की रो बनाई है यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे एंड इस पॉप को, इस ऊन को हम पीछे की साइड पे लाएंगे और यहाँ पे इस तरफ से भी दोनों साइड से हम धागे को नीचे लेके आएंगे, ये देखिए, एंड ऊन को हम पीछे से टाइट करके इस तरीके से एंड नॉट लगा लेंगे, ये देखिए। और आप देख सकते हैं फ्लावर कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। तो इसे आप थालपोस तोरण में सुई धागे की मदद से या फिर आप ग्लू गम से भी लगा सकते हैं एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर लगता है। आप इसकी जगह पे पॉप की जगह पे मोती एंड स्टोन भी लगा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।